एक बार परिलोक में रात को बालवीर का मर्डर हो जाता है और बालवीर भूत बन जाता है। तभी वह विवान और ज्वालापरी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मेरा खून किसने किया, मुझे मालूम है कि तुम दोनों में ही से कोई एक ने मेरा मर्डर किया है, बताओ मुझे किसने मारा। तभी विवान बोलता है कि मैं तो पृथ्वीलोक पर एक स्कूल में एक बच्चे को बचाने के लिए गया हुआ था, मुझे नहीं पता। तभी ज्वालापरी बोलती है कि मुझे तो काफी ज्यादा नींद लग रही थी इसलिए मैं सोने के लिए चली गई थी, मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से बालवीर का मर्डर किसने किया है? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते। दोस्तों इनमें से विवान ने बालवीर का मर्डर किया है क्योंकि विवान बोल रहा था कि मैं रात को एक स्कूल में एक बच्चे को बचाने के लिए गया हुआ था। दोस्तों रात को तो सारा स्कूल बंद रहता है, फिर वो रात को स्कूल में एक बच्चे को बचाने के लिए कैसे जा सकता है? इसका मतलब बालवीर का मर्डर उसने किया है।